हिसाब भी हमारी बार ले लेना है कि एक वहां पे सेनेटर्स होते थे, वो पूरे मुल्क में आवाज जो भी जिस सोसाइटी के साथ ज्यादा होती थी वो अपने बसाव काज के मुताबिक अपना आवाज उठाते थे। अगर नहीं तो फिर वो हिसाब हमें उसी जुमात से लेना पड़ेगा, वो हिसाब हमें उसी जुमात के वोटर से लेना पड़ेगा, वो हिसाब उसी सेनेटर से लेना पड़ेगा, यही बार ले लेना है। अगर ये चीजों के ऊपर हम खामोश रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हमें बार स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहिए, हम फिर बार नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल बार को एक्टिव रहना, बार को मजबूत करना, बार की बॉडीज को मजबूत बनाना, ये हम सब का फर्ज है। हम ये नहीं कहेंगे कि निसबला जो है ना बार का किसी बॉडी का ऐसा नहीं है, मैं खामोश रहूंगा, नहीं। मेरे सर्विसेज बार की बॉडीज के लिए, उनके अहकाम, उनके हुक्म, उनके रहनुमाई के लिए दिन रात हाजिर है। खुदा राय वो खामोश न रहे, ये लोग अपने हकूक जाने, अपने हकूक के लिए लड़े। किसी की स्टेटमेंट, किसी की बयानिया, किसी की इतराजात, किसी की दबाव, किसी की ब्लैकमेलिंग में ना हम आएंगे, ना हमने इसलिए इन ममैनों को मुंतखब किया है। अगर कोई भी ये सुने, कोई भी अगर ये इस इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, इन इदारों की जो मुंतखब शुदा कंपनीशन है, अगर उनकी जो है ना अपना ये वहां पे बॉडीज का अपना एक हैसियत है, इनकी जो स्टेटस है, अगर वो उनमें मुदाखलत करते हैं तो हम बार आवाज उठाएंगे। फिर यहाँ पे अपना सक्रिय कोई बॉडीज नहीं, कोई बॉडीज नहीं अगर इस तरह के लोग करेंगे, कोई यहाँ पे एक मुनज़म प्रोग्राम में उठ करके, वहां पे जब आप प्रोग्राम में उठ करके बोलते हो तो इसका मतलब है तो आप बार बॉडीज की हैसियत को नहीं मानते इनके खिलाफ। तो मैं आज इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूं कि उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई है, जो कमेटी है, वो बकायदा इनको अपना शोकास नोटिस दे कि आइंदा ऐसा कोई जुरत न करे। सदर सदर होएगा, जनरल सेक्रेटरी होएगा, कैबिनेट का अगला लाइब्रेरी मेंबर वो इसी तरह इज्जत रखता है जितना सदर रखता है। ये हमने सियासत में सीखा है, अगर किसी और ने सीखा है तो वो आप बता दें, या कोई और तरीका का है वो भी आपको बता दें। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब दोस्तों का शुक्रिया, और जो इनरोल्ड सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, लोअर कोर्ट के हैं, और हमारे जो बार कौंसिल की भी कैबिनेट थी और वाइडा, मैं सबका मुबारक देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप सब दोस्तों का शुक्रिया।